नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। उदयपुर में कन्हैयालाल ट्रेलर की हत्या के बाद विरोध में गुरुवार को जयपुर बंद बुलाया गया। इसमें पहले बुधवार को जयपुर में सेवा सदन में हिंदू संगठनों की बैठक बुलाई गई। इसमें बंद को लेकर सहमति बनी। इसी के चलते गुरुवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर के सभी बाजार और दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ धर्मेंद्र सागर ने बताया कि जयपुर बंद को लेकर व्यापारियों से बातचीत की है। सभी ने बंद बुलाया है। एहतियात के तौर पर करीब 1000 जवानों का पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया। इधर बंद के दौरान जयपुर शहर के सभी दुकानें बंद है। वहीं इसके बाद 3 जुलाई को हिंदू संगठनों द्वारा जयपुर में बड़ा विरोध मार्च निकाला जाएगा। कन्हैयालाल की हत्या के खिलाफ जयपुर में हिंदू संगठनों की बैठक में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि शहर में सुरक्षा को लेकर पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है। उपद्रव करने पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।